गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। बैठूं? तुषार का रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है, बाबा फूड कॉर्नर। तो अभी सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं मेडिकल, जो यहाँ पे सबसे पास में पुलिस स्टेशन है, क्योंकि तुषार का फोन गिर चुका है। लोवर से, इसने लोवर पहना था और इसका नया मोटोरोला का फोन था जो कि खो गया रास्ते में। इसने देख के भी आया लेकिन मिला नहीं। एक बार रिंग गई फिर स्विच ऑफ हो गया है, यानी कि किसी ने उठा लिया है। अब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन FIR लिखवाने। मेडिकल थाने पहुंच चुके हैं। आ जा, क्या लाया तू फोन का? डिब्बा बिल। अच्छा चलो, पुलिस स्टेशन से तो आ गया क्योंकि उन्होंने बोला कि एफिडेविट वगैरह बनवाओ, तो अभी एफिडेविट वगैरह बनवाएगा तो सर। और बाकी यहाँ पे खोया था फोन, तो ये वाली बिल्डिंग है, इसमें दो कैमरे लग रहे हैं। चलो इसमें देखते हैं कि ये CCTV दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, कभी भी आपका फोन खो जाए पुलिस वालों से ये मत बोलना कि चोरी हो गया। तो सर के मुँह से निकल गया था, वो गिर गया, चोरी हो गया, उठ गया, तो वो गुस्सा करने लगा था। फिर उसने बोला कि एप्लीकेशन लाओ, एफिडेविट लाओ, तो ये सब मांगते हैं ये लोग। अगर आप वही है कि 100-200 रुपये दे देते हो तो फिर ये सब नहीं मांगते हैं। तो तुषार कह रहा मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा, एफिडेविट बनवा के लाऊंगा। तो एफिडेविट के लिए गया, तो अभी दुकान खुली नहीं है। तो जब तक दुकान खुलती है एफिडेविट की, जब तक ऐसे ही देख लेते हैं फ़ोन कहाँ गिरा है, CCTV वगैरह चेक कर लेते हैं अगर करवाएगा तो। कहाँ रह भाई है, कहाँ रह है? हैं, झोपड़ी में? झोपड़ी में। तो ये सुबह से शाम तक बस ये काम मांगने का ही काम करें हैं? सुबह निकल जाओ तुम, शाम तक यूँ ही मांगते फिरे जाओ भीख है। गलत बात है ना, भीख मांगना पाप है। स्कूल में नहीं जाता? इधर आ, पुलिस बुला रहा हूँ, पुलिस में दूंगा। इधर आ जल्दी, आ फोन करिए पुलिस को। ठीक है भाई, एफिडेविट पुलिस वालों ने बोला एफिडेविट लाओ, तो हम थाने से आ गए एफिडेविट बनवाने, और एप्लीकेशन भी भैया के थ्रू ही लिखवा रहे हैं और एफिडेविट भी बन चुका है। तो भाई आज बन रही है कढ़ी, मोना कढ़ी बना रही है, और मैं इससे पूछ रहा हूँ खट्टी बनाना। कह रही जब खट्टा होगा तो खट्टी बनेगी, मीठा होगा तो मीठी बनेगी। अब चेक भी नहीं करा, मम्मी को भी नहीं पता, मम्मी कह रही मैंने चेक ही नहीं किया। अब इसे कौन चेक करेगा? ये है जो मट्ठा है जिसकी कड़ी बननी है, थोड़ी तो ऑलरेडी बन चुकी है। ये मेरी रोटी है, आज नाश्ता भी नहीं करा। तुषार का मोबाइल चोरी हो गया था, खो गया था मतलब। अच्छा चल, तो फिर अभी मैं ना के आ रहा हूँ। यहाँ पर किटो फोन पे बात कर रही है, इसका अपना पर्सनल फोन है, ये चलता नहीं है हालांकि, पर ये ना इससे बात करती रहती है स्टाइल में रहने का। हाँ तो क्या कहना है आपका, सुबह हो चुकी है, मेरे कुछ व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं यहीं पर हूँ, ये कह रही है मैं यहीं पे हूँ मेरठ में अपनी नानी के घर पे। और कुछ बोलना चाहेंगे व्यूवर्स से आप? पहले हम यहीं पर आए थे, पहले ये यहीं पे आई थी। इसका भाई तो एक्चुअली आज स्कूल गया है अर्जित, और ये आज नहीं गई स्कूल, आज ये मस्ती कर रही है बस यहीं पे ही। इसने अकेले ने पूरा घर सिर पे उठा हुआ है, और जो कढ़ी में पकौड़ी डलेंगी ना वो इसने ले ली है, और अभी ये वही खा रही है। ठीक है, तुम्हें तो कुछ बोलना नहीं है, बाद में बात करेंगे आपसे। तो तुषार आ गया भाई थाने से, ये एप्लीकेशन लेके गया था, सारे काम लेके, सारे मतलब पूरे एफिडेविट, उसके बावजूद भी कॉन्स्टेबल ने इसको कागज फेंक के मारे, कह रहा कि वो इसकी फोटोकॉपी करा के लाओ। फिर फोटोकॉपी करा के ले गया, फिर एक दो बहस होगी, फिर इसने बाहर SI सर से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने सिर्फ सिम की रिसीविंग दी है, फ़ोन की नहीं दी। वो कह रहे फ़ोन की नहीं देंगे भाई, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया ना फ़ोन, ताकि कह रहे कि फिर हमें ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झंझट है। चल कोई दे दी उन्होंने, मोर मार के फोन खोने की। बस ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैंने तुझे बोला था 100 रुपये वहाँ पकड़ा दे, नहीं पकड़ाएगा तो चाहे तू एफिडेविट बनवा के लिया तो कमी 100 निकाल लेगा, वो चिढ़ गया ना वो ऐसा ही हो जावे। तो हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे 5:30, और यहाँ पर अर्जित से मिलिए। अर्जित बाबू आ गया, ये स्कूल गया था, स्कूल से आ चुका है, और इसकी बहन किट्टो यहाँ पे सो रही है। इसकी मम्मी 3 दिन से हॉस्पिटल थी, बुखार हो गया था 105 आनंद हॉस्पिटल में, तो वो आ चुकी है, वो जा रही है, वो नीचे वेट कर रही है। तो मोबा पे काम नहीं होगा तो मोना भी उसके घर जा रही है। अब ये सो रही है, इसको उठाना पड़ेगा मुझे। चक्कर आ रहे हैं मोबा भी हैं? आराम से जाइए, ठीक है। 3 दिन में हॉस्पिटल से आइए, 4 दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में भी ऐसी हालत हो रही है जैसे पता नहीं जा रही हो, आई ना हो, जा रही हो। सब रख लिया। चल ठीक है, बाय 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 किट्टो, बाय, जल्दी मिलते हैं। और यहाँ पर तुषार का बाबा फूड कॉर्नर, यहाँ पर 3 समोसे बच रहे हैं अभी इसके, ये चिली पोटैटो है और ये नूडल्स। आ गया, सिम ब्लॉक करवाने गए थे ना, ये क्या बना रहे हो? चाउमीन।
सो ये रूम हमारा बना था, ये पूरी गैलरी है, पूरा कमर्शियल स्पेस है, इसी में सामने दुकान है तो सार की। एक्चुअली ये खाली स्पेस था तो हमने दीवार कर दिया, गेट लगा दिया है, विंडो लग गई है, अब इसमें हम बाकी स्टोर रूम बना सकते हैं। अब पेंट वाले को बुलाना है, ये काम और रह गया मेरठ में। तो रात के 8:30 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी भांजे के घर पे, यानी कि गंगा सागर गंगानगर, क्योंकि सिस्टर को बुखार है, अभी वहाँ से आई है हॉस्पिटल से, उसके बस की इतना काम करना नहीं, तो मदर जा रही है और हम जा रहे हैं, तो वहीं रुकेंगे 2-3 दिन। सो मेरठ में इतने मच्छर हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर भी 10-15 मच्छर घुसे हुए हैं और इतना काट रहे हैं हाथों पे, जब से आए हैं 3-4 दिन हो गए, जब से ही घुसे हुए हैं और बाहर ही नहीं निकल रहे। हम तो मतलब लिटरली आज से पहले जिंदगी में इतना परेशान नहीं हुए, इतने साल हो गए देहरादून से यहाँ मेरठ आते हुए, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं फिलहाल। कल रात तो फिर भी मच्छरदानी ठीक बंद की थी, कोई ऐसा लटक नहीं रही थी कोनों से, पर भाई परसों तो मच्छरदानी भी ऐसे एक तरफ से ऐसे लटक रही थी, तो वो ना टच हो रही थी सिर में, तो मच्छरों ने पूरा खाया। तो एक आर्ट है मच्छरदानी बांधना, अभी 2-3 दिन तो हमें वही लग गए सीखने में। अर्जित मिल गया भाई, यहाँ पे खेल रहा है अपने दोस्तों के पास, पहुंच गए यहाँ पे। क्या 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 कर रहा है? हम बीच का मंदिर खेल रहे हैं। बीच का मंदिर लड़ाई होगी। अबे तू क्या कर रहा है? चुप 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 मैं सब कर दिया। चलो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे। अरे वाह मिस्टी आ गई। अरे वाह ये बैग बैग क्यों पहना हुआ है रात को? ये कौन सी मिस्टी है, कौन सी फ्रेंड है मिस्टी? अक्षिता मिस्टी, और इसका कार्तिक। तुम्हारे फ्रेंड है सब? अच्छा, और ये क्या पहन लिया आती? दोबारा से चढ़ गया बुखार, 102 हो गया तेरा, क्या हो रहा है? 4 दिन हो गए बुखार नहीं उतर रहा। तो मोना हमें यहाँ पे मिली है, किचन में किचन सामान रखा है इसने यहाँ पे आके, और देखो कितनी प्यारी लग रही है ये किचन, इसकी जो लाइटिंग हो रखी है कितनी प्यारी है, और ये वाला कमरा तो है ही अर्जित का, मैंने पहले भी दिखाया ये घर, जब ये बना था तब भी आए थे, जब बनने लग रहा था तब भी आए थे, और यहाँ पर ये, अरे वाह ये तो काफ़ी अच्छी भी लगा दी इन्होंने वॉश बेसिन, मेरी ये फेवरेट है, अगर एयरबीएनबी अपार्टमेंट में लगाते हैं तो ये लगाओ हमेशा। ये मंदिर है देखो कितना प्यारा। खेलो खेलो मैं शर्मा में। लिपस्टिक? अच्छा ये लिपस्टिक है सही में, असली वाली है? नहीं। तो इससे होठ पे कौन सी लगा रखी तुमने? तो लगाई हुई ये लिपस्टिक घर से लगा के आई थी? कैसा डांस है ये? कैसा डांस है? 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 कैसा डांस है ये? ये देखो इसकी हरकतें, ये भी करने लगा तेरे को देख के। इनका ग्रुप अलग ही बना हुआ है, वो अर्जित तो बाहर खेल रहा है सड़क पे। क्या कर रही है ये, क्यों कर रही है ये सब? तुम्हें घर जाना है अपने? तुम ये बोल रही हो ना मुझे छोड़ के आ जाओ, तुम अकेली नहीं जा सकती, यहीं तो है बराबर में, किससे डर लग रहा, डॉगी से? ये डॉगी को भगा देता है ऐसे। अच्छा एक दिन ना ऊपर का थोड़ी भोग रहा था। अच्छा अच्छा नीचे झुक झुक क्या कह रही? एक दिन डॉगी फर्स्ट फ्लोर बालकनी से भोग रहा था। The next day, good morning from Meerut, गंगानगर Meerut। क्या हो रहा है बाबा का? कितना बुखार है? अभी नहीं टेस्ट कर, अभी पहले ना दवाई नहीं खाया। अब नहीं है? 98-99। एक बार और ले लियो दवाई, ये आयुर्वेद दवाई से उतरा है भाई, ये वाली दवाई लेके आए थे कल रात ना, सर जो है लो व्रत, अब इससे उतरा है बुखार। स्कूल किट्टू को स्कूल भी नहीं गई है, रो रही है मैं नहीं जा रही, वरना इसका स्कूल इतना अच्छा है, जब उठती तब स्कूल जाती। अब पहले मम्मी में पेट भरेगी ना, पहले मम्मी के लाड़ना पड़ेगा। और सुबह उठ के तो मामा के पास भी नहीं आई, देखते हैं मेरे पास आएगी या नहीं आएगी। Yeah।
अवंतिका, अगर तुम स्कूल जाती आज, जब तुम स्कूल से आती 4-5 घंटे बाद, तो कितनी अच्छी लगती। अब तुम सुबह से ही हमारे मेरी नजरों के सामने हो, तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही तुम्हारी, कुछ वैल्यू ही नहीं रही। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा लगता, मैं मिस करता, मैं मिस करता अवंतिका को। सो बैक टू मंगल पांडे नगर, बाबा फूड कॉर्नर। मैं और तुषार एक यहाँ के सबसे फेमस छोले भटूरे वाले के यहाँ जा रहे हैं, और वो बेगम पुल पे, चलो चलते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम पीएल शर्मा रोड थे मेरठ में, और भाई ये ना यहाँ पे ना पूरा गन मार्केट है। ये देखो गन की दुकान, ये गन की दुकान। मैंने भी कुछ गोलियाँ ली है, मेरे पास भी एक गन है, तो प्रैक्टिस करता रहता हूँ मैं। भाई एक राधे छोले भटूरे वाला इधर भी है, पर यहाँ नहीं खाएंगे। अभी हम आबू लेन मेरठ में हैं। यहाँ का जो सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से नंबर 1 तो यही है ना मेरठ में, इससे भी अच्छा है कोई? यही वाला ना जहाँ जा रहे हैं। तो भाई मेरठ का नंबर 1 छोले भटूरे वाला ही है जिस पे जा रहे हैं, और ये यहाँ का बेस्ट मार्केट है। जैसे देहरादून में राजपुर रोड है ना, तो ऐसा ही है आबू लेन है। तो पहुँच चुके हैं आबू लेन शॉप पे। भाई वो 1975 से स्थापित आपकी पुरानी दुकान, दिल्ली के स्पेशल छोले भटूरे आबू लेन मेरठ कैंट। चलो ये देखो भाई कितनी भीड़ लग रही है। भाई ये वाले भटूरे देहरादून में कहीं नहीं मिलते, ऐसे मिल जाए तो मजा आ जाए, मिलते नहीं है। ये आ चुके हैं अपने छोले भटूरे, और ये देखो भाई ये पूरी पूरी की तरह ऐसे टूटेंगे नहीं, भटूरे में दम है भाई। इसमें दाल की स्टफिंग है, अभी दिखाता हूँ। और ये जो छोले होते हैं ना, ये देखो इतने थिक होते हैं, मतलब बिल्कुल भी वो पतले वाले नहीं है, मस्त है भाई। इस तरह के छोले भटूरे चैलेंज करता हूँ, पूरे उत्तराखंड में नहीं है, पूरे उत्तराखंड में नहीं है, ऋषिकेश में नहीं है, हरिद्वार में नहीं है, और देहरादून में नहीं है। ये मेरठ का नंबर 1 छोले भटूरे वाला है। आया स्वाद, मुझे भटूरे मोटा और करना पड़ेगा। हाँ आया स्वाद, हाँ थोड़ा बहुत मोटा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पिंकी वाले से अच्छे लग रहे हैं जो उस दिन मंगाए थे, है ना? लाख गुना बढ़िया है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो ये स्टफिंग है भाई, देखो इस तरह से दाल की, ये रही भाई। छोले भटूरे तो खा लिए हैं, अब यहाँ का सदर मार्केट दिखा देता हूँ मेरठ का। सदर बाजार ज़्यादातर हर जगह होता ही है, हर शहर में, तो यहाँ का सदर बाजार ये है। आर्मी की ड्रेस ज़्यादा मिलती है, पुलिस की ड्रेस, और फिर कपड़ों का हो गया, जूतों की दुकानें, बैग वगैरह, इस तरह से सदर मार्केट पूरा। सदर में हमें किसी ने सजेस्ट किया कि नवनीत पेटीज़ वाला बेस्ट है, तो भाई इसको देख रहे हैं कि ये है कैसा। हमने पेटीज़ मांगी है, 5 मिनट लग गई है पेटीज़ बनने में, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर, बिल्कुल फ्रेश बनती है। तो ये अपनी बटर पेटीज़ आ चुकी है, 8 रुपये प्राइस है, मैं और तुषार आधा आधा खाएंगे, और इसमें तो नमकीन भी डाली हुई है। ये तो अलग ही है बिल्कुल, ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने देखा ही नहीं। तुषार को तो इसकी पेटीज़ ठीक लगी, पर मेरे को इतनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। तुषार ने मुझे बोला कि यहाँ पे एक प्रेम स्वीट्स है, उस पर सबसे बेस्ट समोसे मिलते हैं, तो चलो इस पर भी चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या। ठीक है भाई, मेरठ का नंबर 1 समोसा 18 रुपये में आया है, तुषार के कहने पर ये भी ट्राई कर रहे हैं। और ये दो अलग अलग तरह की हैं। अच्छा ये खट्टी है, ये खट्टे वाली है। ना ना खट्टे वाली नहीं, खट्टे वाली नहीं चाहिए, मीठी चाहिए, मीठी अच्छी लगती है। भाई समोसा तो खा लिया है, पर इतना अच्छा नहीं लगा, और तुषार ने नहीं बोला था सबसे बेस्ट है, पर हो सकता है वो मेरठ का बेस्ट हो। तो भाई न्यू वेज बेक हाउस आबू लेन, अब देखते हैं इस पर क्या क्या खुला है। अभी मैं बेगमपुर पे हूँ, और यहाँ पे एक फेमस चाट वाला है, राधे श्याम चाट भंडार, देखते हैं इन पर कैसी चाट है। तो भाई यहाँ पे अंकल जी मिले हैं, ये तो खैर छोले कुलचे बना रहे हैं, तो छोले कुलचे वाले छोले, मुझे लगा चाट है, लेकिन देखो कैसी बढ़िया बढ़िया हांडी रखी हुई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से। भाई मेरठ में घूम ही रहे थे राधे श्याम चाट भंडार पर, अर्पित भाई ने मुझे पहचान लिया, ओनर है इसके राधे श्याम चाट भंडार के। ठीक है अंकल से हम ना, अंकल बहुत कम लगाना, हमें बस टेस्ट ही करनी है। आज पेट भर गया ना छोले भटूरे भाई, फिर समोसा हर जगह ट्राई कर रहे हैं। तो ये है भाई मेरठ की सबसे नंबर 1 मटरी चाट, इसमें क्या बोलते हैं, मटरी चाट बोलते हैं ना, मटर चाट ऐसी तो भाई पूरे देहरादून में मिलती नहीं है। लेंगे? नहीं कुछ नहीं, यही बस ऐसे ही ट्राई करनी है। चलो ये लग चुकी है अपनी भाई मटर चाट। तो ठीक है भाई, गढ़ रोड पे घूम रहे हैं, और यहाँ की जो फेमस दुकान है टीन्स गैलरी से एक मोबाइल ले लिया है, और मोबाइल एक्चुअली माही के लिए लिया है, जिस सिस्टर को ना बुखार हो रखा उसके लिए, उसका टूट गया। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा मोबाइल है, हम बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे 10,000 के आसपास का कौन सा बेस्ट फ़ोन है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में सबसे बेस्ट फ़ोन यही आ रहा है 10,000 रुपये में, मतलब ये 11 में पड़ा 11.5 में, और
Redmi 12C है, इसमें सारे फीचर्स हैं, बस 5G नहीं है और 11GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, ये सब कुछ है। तो भाई कमेंट करके बताना मैंने 10 और 11000 रुपए की रेंज में सबसे बेस्ट मोबाइल लिया है या इससे भी बेस्ट कुछ आ सकता था। फिलहाल ये भी लॉन्च हुआ है परसों। फिलहाल हम गढ़ रोड पर नई सड़क के पास हैं और आए थे सुपर बेकर में, जो कि आजकल मेरठ में नंबर 1 चल रहा है। इससे बढ़िया पेटीज़, इससे बढ़िया पेस्टी कुछ नहीं है, सुपर है, सुपर। पेटीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह से रहती है। ये क्रीम रोल भी बिल्कुल फ्रेश है, इस मशीन से एकदम से बनता है, दे देते हैं। और ये मैंने पहले भी दिखाया अपने YouTube चैनल पे। और यहाँ पर हमेशा एक मांगने वाला लड़का हमेशा मिलेगा, इसकी यही ड्यूटी रखती है, जो भी आता रहता सबसे मांगता ही रहता है। मेहनत करके बिल्कुल नहीं कमाता, भीख मांगना पाप है ना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ब्रांच है दवा घर की, यहाँ से कुछ दवाई ली है। तो ये लीवर के लिए इस बार हमने ये वाली दवाई ली है, मदर के लिए, नंबर 1 चल रही है। मेरा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए डबल की ये नंबर 1 चल रही है। और थोड़ा नींद कम आती है तो उसके लिए ये ले लिया मैंने हिमालय की। ये दवाई के साथ भैया ने और एक मसाला टी फ्री दी है। तो भाई दवाई घर पे इन्होंने एक पर्चा दिया है, भाई यहाँ मसाज होती है आयुर्वेदिक मसाज, सिर्फ 300 रुपये में एक घंटा, और स्टीम के साथ लोगे तो 500 रुपये में एक घंटा। ये देखो भाई, ये एक्चुअली शास्त्री नगर में सेक्टर 2 है ना, उसके पास ही है ये। तो भाई इस बार मैं मसाज जरूर करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा हमारे वहाँ ऋषिकेश देहरादून में तो नहीं होती है, और वो अलग तरह की मसाज होती है और एक्सपेंसिव भी काफ़ी होती है। तो ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रही है, आप कभी मेरठ आओ तो भाई ये मसाज ले लेना। ये है शास्त्री नगर मार्केट हमारा, और ये है भाई दवाघर। इस तरह का कॉन्सेप्ट ना वहाँ नहीं है देहरादून में, और इनके 4 हैं दवाघर ना, पूरे 4 खुले हुए हैं, सब आयुर्वेद की सारी दवाइयाँ मिलती हैं। मुझे जितनी दवाइयाँ चाहिए थी सब मिल गई। जाने से पहले नारियल पानी और पैक करा लेते हैं सिस्टर के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है फीवर की वजह से, तो नारियल पानी पैक करा लेते हैं। मेरठ में नई सड़क पे हूँ और देखो कितना खतरनाक मौसम हो गया, पूरा तूफान आने वाला भाई। ये अभी एक हफ्ते मौसम ख़राब है पूरा, हर सिल में बर्फबारी है, गंगोत्री में, केदारनाथ में, हर जगह। तो भैया मंगल पांडे नगर से वापस जा रहे हैं गंगा सागर सिस्टर के यहाँ। सिस्टर को दोबारा से बुखार हो रहा है और शायद उसको 101-102 कितना हो गया, अभी देखते हैं। कुछ और दवाइयाँ ली हैं आयुर्वेद की उसके लिए भी, वो मैं वहीं जाके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आंधी तूफान लगातार चल रहा है, क्योंकि एक हफ्ता बारिश है तो आज आंधी तूफान आना ही था। भाई आंधी देखो कितनी खतरनाक है। क्या अब कितना हो रहा बुखार, उतर रहा है? चल अब तो उतर ही जाएगा। अरे ये मिलो अपनी भांजी से, हमेशा सैंडल दिखाती रहेगी, हट, मैं तो बोर हो चुका इस सड़े हुए 3 दिन से पहन रखे हैं सैंडल। अभी से मिलते हैं। हेलो, तू कैसा हो रहा बुखार, साबिस होगा उठाए? ये नया मोबाइल है तुम्हारा Redmi 12C, और बच्चों को मत देना क्योंकि अभी ना ये इतना नया मोबाइल है कि इसका कवर और इसमें टेम्पर अभी नहीं आया मार्केट में, थोड़े दिन में आएगा। ये भी उठ गया देख लो मोबाइल देखते ही, और ये भी देखो कैसे अपना पुराना मोबाइल छोड़ के भाग गई, यहाँ पे रखा था। नया मोबाइल आ गया, कुछ हो गई क्या? बना रही है यहाँ पे चिल्ले, क्योंकि महुआ है ना जो माही सिस्टर है उस जिसका फीवर है, वो उसको चिल्ले ही खाने हैं और कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसको। तो भाई अपनी भांजी ने बनाया ये रोबोट। अच्छा ये इसके भाई ने बनाया, अर्जित ने, इसने नहीं बनाया, मुझे पता था इसने बनाया नहीं होगा, ये तो इतना अच्छा बना ही नहीं सकती अभी, तो ये छोटी है ना। अरे रोबोट, मैं तो फंस गया।